भोजन स्थल जो है यहाँ का, इधर आपको लेके चलते हैं, इधर देख सकते हो आप भीड़ क्या है। इसके कारण जो है इधर मैदान जो खराब हो चुका है। वेलकम बैक टू मुरली सब व्लॉग्स। तो भाई गाइस अभी मैं हूँ जंडई में, हूँ रहे शिव महापुराण कथा पंडाल के भोजन स्थल में। तो भाई यहाँ पे जो है भोजन व्यवस्था किया गया है भक्तों के लिए। अभी आप पंडाल देख सकते हैं, इधर पंडाल में जो है आप खाना खाने के लिए, यहाँ पे जो लोग भक्त आते हैं शिव महापुराण कथा पंडाल में, उनके खाने के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। तो आइए आज आपको पूरा दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है और किस प्रकार से यहाँ पे जो है भोजन बनाया जा रहा है, सारा आपको दिखाता हूँ। देखते रहे मुरली सब व्लॉग्स। चूल्हा देख सकते हैं भाई, इधर भोजन जो है बन रहा है भक्तों के लिए। चावल सब्जी सब इधर बना हुआ है, देख सकते हैं आप। और इधर जो है सब्जी काट रहे हैं लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिव महापुराण कथा पंडाल गंडई का जो है इधर भोजन स्थल लगा हुआ है। इधर चूल्हा लगा हुआ, देख सकते हैं कितना सारा चूल्हा बना है। यहाँ पे खाना यहाँ पे बन रहा है। और इधर आप देख सकते हैं इधर सब्जी वगैरह जो है काट रहे हैं सब लोग मिलके, सब साथ में लगे हुए हैं भाई। साथ इधर आप देख सकते हैं पंडाल में लगा हुआ है यहाँ पे भोजन के लिए। यहाँ पे आपको लाइन लगाना पड़ेगा। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग का अलग अलग जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, इधर से आप देख सकते हैं। और पूरा व्यवस्था यहाँ पे भोजन का आपको मिल जाएगा। गाइस आप उधर जो है भोजन बन रहा है, उधर सब्जी वगैरह जो है काटे जा रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं चावल का ढेर, आप देख सकते हैं पके हुए चावल यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में भाई यहाँ पे भक्तों के लिए भोजन बनाया गया है। और अभी इधर जो है इधर प्लेट अभी इधर पूरा लगाया जाएगा भोजन के लिए। और जैसे ही कथा जो है आज का कम समाप्त होगा और लोग जो है इधर खाना खाने के लिए पहुँचेंगे, इधर से जो है लाइन लगेंगे लोग, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर। और ये ऐसा देख सकते हैं कितना ज़्यादा चावल का जो है मात्रा, आप देख सकते हैं यहाँ पर और कैसा माहौल यहाँ पर दिख रहा है आपको। अभी हमने आपको भोजन पंडाल घुमाया है यहाँ का। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।